हाँ तो भाई बिल्कुल सही बात है। अब की बार जो आईफोन 14 सीरीज है वो आपको डीले देखने को मिलने वाला है। यूजुअली क्या होता है कि हर साल सितंबर के मंथ में आईफोन की नई लाइनअप आती है, जैसे कि अभी सितंबर के मंथ में आईफोन 14 सीरीज आने वाला है। हालांकि आईफोन 14 सीरीज होगा वो मेड इन इंडिया भी होने वाला है, तो इसके ऊपर हमने डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। हम बात करने वाले कि देखिए आईफोन 14 का जो लॉन्च इवेंट है वो डीले हो सकता है, या फिर अगर डीले नहीं होता लॉन्च भी हो जाता है तो आपको ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिलने वाली है। मतलब जहाँ पर डिमांड 1000 की उसके बदले में आपको क्या पता 600 से 700 यूनिट देखने को मिले, मतलब जो इसकी शॉर्टेज है देखने को मिलने वाली, इसके पीछे का रीजन क्या है और भाई डिले होता तो क्यों होता, आज हम इस वीडियो में सारी बातें करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम वीडियो आरंभ करें। तो भाई देखिए आज के समय में आईफोन टोटल 2 से 3 कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। फर्स्ट है चाइना, सेकंड है वियतनाम और थर्ड अपना इंडिया भी। यहाँ इंडिया में भी आईफोन 11, 12, 13 मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, लेकिन जो सबसे बड़ा इसका मैन्युफैक्चरर है वो है चाइना। चाइना में भी आज के समय भी सबसे ज्यादा आईफोन्स होते हैं मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। हालांकि एप्पल सोच रहा है कि वहां से अपनी सारी सेटअप हटा के वियतनाम में या इंडिया में शिफ्ट कर लिया जाए, लेकिन तुरंत वहां से हटाना बहुत मुश्किल का काम है क्योंकि वहां पे सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। चाइना में लेबर कॉस्ट कम है, हर चीज़ वहां पे कम है और आप आसानी से कोई भी चीज़ चाहो तो वहां पे बना सकते हो। आपको पता है चाइना कैसा है, हालांकि वो भी आप जान सकते हो चाइना का हाल कैसा है, चाइना हर जगह मैन्युफैक्चरिंग क्यों करते हैं। तो हम वीडियो के टॉपिक पे आते हैं कि भाई आपके पास डिले क्यों हो सकता है। देखिए आपको पता ही होगा कि अभी दुनिया भर में जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही है, मतलब भाई हर जगह हमारी छाई हुई है जहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई भी हो, जैसे कार हो, मोबाइल फ़ोन हो, कैमरा हो, ड्रोन हो, मतलब कुछ भी हो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है वहाँ पे सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है। और दुनिया भर का 60% जो सेमीकंडक्टर होता है वो TSMC बनाता है और TSMC ताइवान बेस्ड कंपनी है। लेकिन अब जो है इस टाइम पर चाइना और ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और भाई वहाँ की जो सिचुएशन है वो सही नहीं चले। हाँ दंगा फसाद उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ की सिचुएशन सही नहीं चल रही है और चाइना ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हम ताइवान से कुछ भी इंपोर्ट करने वाले नहीं है। हालांकि चाइना ताइवान को कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर आप YouTube पे वीडियो सर्च कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल से पता चल जाएगा कि उसके बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, तो भाई इस रीजन से जो चाइना ने साफ साफ इंकार कर दिया। और देखिए सेमीकंडक्टर जो है वो 60% या यूं कहें जितना भी सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है सबका सब ताइवान से आता है। और अगर चाइना लेगा नहीं, चाइना अगर वहां से इंपोर्ट नहीं कराएगा तो आईफोन बनेगा कैसे। और हालांकि आईफोन बहुत सारे ऑलरेडी असेंबल हो चुके होंगे, मैन्युफैक्चर हो चुके, बन चुके होंगे, लेकिन भाई तब पर भी आईफोन की बहुत ज्यादा भारी डिमांड होती है और अभी से चाइना ने मना कर दिया। और अभी अगस्त का मंथ चल रहा है और अभी एक महीने का पूरा भी गैप बाकी हुए और एक महीने में भी बहुत सारे यूनिट अभी तक मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, लेकिन चाइना ने साफ साफ मना कर दिया, इंकार कर दिया। इसके लगे हो सके तो जो लॉन्च इवेंट होता है आईफोन 14 सीरीज का वो डिले हो जाए, फिर अगर लॉन्च हो भी जाता है तो उसके बाद में आपको शॉर्टेज देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी इस टाइम पर सिचुएशन तो यही है, क्या पता कुछ टाइम के बाद में जो सिचुएशन है वो सही भी हो सकती है। तो चलिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं सुनो एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।